बंदरा प्रखंड के शिव शक्तिधाम बरियारपुर मोहनपुर में धर्मादा कमेटी के तत्वाधान में महाशिवरात्रि यज्ञ महोत्सव सह संगीत सम्मेलन के 35वें अधिवेशन में संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बुधवार को संगीतमय शिव विवाह प्रसंग में मिथिला की प्रसिद्ध कलाकार वीना मिश्रा एवं उनकी टीम के द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इस दौरान विभिन्न प्रसंगों से जुड़ा हुआ झांकी भी सजाया गया। मैथिली हिंदी भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति से दर्शक भाव विभोर हो गए। दिन रात का यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान दरभंगा रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए कलाकारों ने भी आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम एवं मेला की सुरक्षा को लेकर पियर थाने की पुलिस एबी झा के नेतृत्व में सक्रिय थी। कार्यक्रम को लेकर धर्मादा कमेटी के उपाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का काफी प्राचीन महत्व है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का विशेष तौर से यहाँ आना जाना होते रहता है। शमशानी बाबा के नाम से बाबा बुधेश्वर नाथ इनका नाम है और यहाँ बहुत काफी दूर दूर से लोग अपना मन्नत लेकर के बाबा के दरबार में आते हैं हाजिरी लगाने। जो भी आते हैं आज तक सबका मन्नत पूरा हुआ है। जो सच्चे हृदय से इनके दरबार में हाजिरी लगाए हैं सबों का बेड़ा पार किया है बाबा ने। इस संदर्भ में धर्मादा कमेटी के अध्यक्ष बिमल सिंह ने बताया कि यह अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था रहने की वजह से काफी दूर से श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना होता है। साल के सभी खास मौकों पर यहाँ विशेष तौर से कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है, जबकि सालाना इस कार्यक्रम में 5 दिवसीय अनुष्ठान किया जाता है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का इस बार आयोजन रखा गया था, जिसमें प्रथम दिन हनुमान आराधना, दूसरे दिन शिव मंत्र श्याम एवं हवन, कल 1 तारीख को शिव विवाह महोत्सव एवं महाश्रृंगार और आज रात्रि में मिथिला रत्न श्री कुंज बिहारी मिश्र जी द्वारा माता का जागरण का आयोजन रखा है गया है। और कल शाम में क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा चौठारी का कार्यक्रम, बहुत सी महिला जमा होती हैं, सारे जाति की महिला जमा होती हैं और चौठारी का कार्यक्रम यहाँ संपादित किया जाता है, फिर ये 5 दिवसीय कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। धर्मादा कमेटी के उपाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर, सीताराम सिंह, नारायण गिरी, रमेश ठाकुर, राघवेंद्र ठाकुर, मुकेश सिंह, संजीव ठाकुर, मुंचुन ठाकुर, अजीत शरण, गोलू गिरी, बैजू झा, कुंदन झा, हरिओम झा आदि की भी सक्रिय भूमिका रही।